गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, गणित शिक्षण की विधियों में समानता समस्त विधियां हो चुकी हैं और आज हम जो इसकी अंतिम विधि है, लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि, इस विधि पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि जो है उसमें विज्ञान शिक्षण में और गणित शिक्षण में प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। अगर बात करें गणित शिक्षण की, तो गणित शिक्षण में प्रयोगशाला से संबंधित बहुत से डायग्राम बनाए जा सकते हैं, बहुत सी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है। तो जैसे इसमें दिखा हुआ है, इस विधि के द्वारा प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रयोगशाला में आप जाइए, कुछ स्टिक लेके जाइए, कुछ ऐसे प्रकार, पटरी, चांदा, इन चीज़ों को लेके जाइए, है ना। तो जैसे स्टिक आप लेके गए, एक स्टिक आपने लंबत खड़ी कर दी, एक स्टिक आपने धरातल पे रख दी और उन दोनों बिंदुओं के शीर्ष को मिलाने वाली एक तीसरी स्टिक आपने बना दी, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इस त्रिभुज के निर्माण के द्वारा हम एक जो आपने खड़ी स्टिक रखी थी उसको लंब मान लेते हैं, जो पड़ी स्टिक थी उसको आधार मान लेते हैं और जो इन दोनों को शीर्षों को मिलाती हुई स्टिक थी उसको कण मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके द्वारा इसे देखते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है सी के स्क्वायर को, है ना। तो जो स्टिक के माध्यम से आप बच्चों को इस प्रकार से बना के सिखा सकते हैं। आयत को आप बता सकते हैं कि चार स्टिक आपने ली, दो स्टिक आपने धरातल पर रख दी, दो स्टिकों को उनके शीर्षों को मिलाती हुई वो रख दिया, तो आयत को बना सकते हैं, वर्ग को बना सकते हैं, है ना, त्रिभुज को बना सकते हैं, चतुर्भुज को बना सकते हैं, गोला को बना सकते हैं। तो इन सभी का प्रयोग हम जब प्रयोगशाला में करते हैं, ये प्रयोगशाला विधि गणित में यूज की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रयोगशाला विधि के गुण। प्रयोगशाला विधि के गुण से पहले प्रयोगशाला को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एंग ने लिखा है कि प्रयोगशाला विधि विचारों का एक पृथक्करण एवं सामान्यकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। यानी प्रयोगशाला विधि जो है विचारों का सामान्यकरण नींव नहीं है बल्कि लास्ट उपज है। अगर आप बच्चों को इस प्रकार से बनाना सिखाएंगे, इस प्रकार से क्रिया करना सिखाएंगे, तो बच्चे कुछ ना कुछ इनोवेशन अपने फील्ड में कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक उद्देश्य ही है करके सीखना, अनुभवों के द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, है ना, और अननोन टू नोन, इनके माध्यम से हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। अब गुण में देखिए, प्रयोगशाला विधि के गुण में ये रुचिकर विधि है। अगर बच्चों को आप कुछ बनाना सिखाएंगे और बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा, तो मान लीजिए बच्चे को उस आर्टिकल से संबंधित इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा और आसानी से उस चीज़ को सीख जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपने त्रिभुज बनाना सिखाया, एक तो आपने स्टिक से बनाना सिखा दिया, फिर बच्चा जो है घर जाके भी त्रिभुज बना सकता है, माचिस की तीलियों से त्रिभुज बना सकता है, जंगल में जाकर कुछ पेड़ की टहनियाँ काट के त्रिभुज बना सकता है, तो बच्चे में एक प्रकार से करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। दूसरा होता है स्थाई अधिगम का स्रोत है, यानी कि इसके द्वारा जो अधिगम किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह स्थाई होता है, क्योंकि बच्चा जब खुद करके सीखेगा, खुद अपने द्वारा सीखेगा, तो वह ज्ञान बच्चे का स्थायी ज्ञान होगा। कि वैसे भी कहा गया कि एक बार का पढ़ा हुआ, एक बार का देखा हुआ 100 बार के पढ़े हुए से बेटर होता है।
अगर बच्चों को आप 10 बार इस चीज़ को बताएं कि a² + b² = c² होता है, तो कैसे होता है बच्चों को पता नहीं है ना। अब आपने उसको करके सिखा दिया कि देखिए बेटा ये a² है, ये b² है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इन दोनों का अगर वर्ग करें हम तो उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बच्चा फिर उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद स्थायी अधिगम का स्रोत है ना, तर्क क्षमता निगमन क्षमता का विकास होता है। तर्क क्षमता का विकास होता है बच्चे में अगर एक चीज़ को इस प्रकार सीखने की प्रवृत्ति आ गई तो दूसरी चीज़ को फिर खोजने लगेगा कि इससे हटके भी कोई चीज़ हम सीख सकते हैं, उसके बारे में क्या व्यू हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रचनात्मकता का विकास होता है। रचनात्मकता का विकास का मतलब होता है बच्चे में एक प्रकार से रचना करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, बनाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। और इस विधि के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण या गणितीय दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है कि बच्चों को गणित के प्रति रुचि भी जागृत होती है। तो ये सभी क्या हैं, इसके गुण हैं। उसके बाद आते हैं इसके दोष। खर्चीली विधि है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि आप मार्केट में स्टिक खरीदने जाएंगे, मार्केट में आप किसी भी सर्किल को बनाने के लिए कोई चूड़ियाँ खरीदने जाएंगे, कोई कांच की वो खरीदने जाएंगे, किसी प्रकार का बेलन खरीदने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आप त्रिभुज को सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड पर बना के दिखा सकते हो, लेकिन इसके द्वारा आपको स्टिक्स वगैरह खरीदनी ही पड़ेंगी। खर्चीली विधि है, कम संख्या वाली कक्षा में ही उपयोगी है। देखिए ये जो प्रयोगशाला विधि होती है, इसमें अगर बहुत अधिक संख्या किसी क्लास में है और आपको एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए तो वहाँ पर सभी बच्चे उसको आसानी से नहीं सीख पाएंगे, आसानी से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई त्रिभुज बनाना बच्चों को दिखाना है, तो या तो 10 बच्चों को क्लास में रखिए, 15 बच्चों को रखिए अधिकतम, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को बनाने के बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकें कि बच्चे ने ठीक से बनाया है अथवा नहीं। अर्थात कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए ही ये उपयोग की जा सकती है। उसके बाद छोटे उम्र के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो है करके सीखना या फिर प्रयोगशाला में सीखना बड़े बच्चे या फिर कहिए माध्यमिक लेवल के या फिर कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे ही आसानी से सीख सकते हैं, छोटे बच्चे इससे आसानी से नहीं सीख सकते। तो ये हैं प्रयोगशाला विधि के गुण, प्रयोगशाला विधि के दोष, और प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने में सावधानियां तो आप जानते ही हैं, किस प्रकार से टीचर को उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को उसका प्रयोग करना आना चाहिए, बच्चे को उसकी वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये सभी जो विधियाँ हैं ये सामान्य रूप से प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए ये जो गणितीय शिक्षण की जो विधियाँ थीं, वह समस्त विधियाँ आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार मैं समस्त विधियों को आपके ग्रुप पे भी डाल दूँगा, और इसके शॉर्ट रूप में यानी कि छोटे रूप में इन विधियों को कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, है ना, इसको आपको स्टडी करनी है। और प्रत्येक विधि को कम से कम स्मॉल रूप में एक वो बना लेना है आपको, एक तरीके से कहिए नोट्स के रूप में, जिससे आपको पता लगे कि कोई तुरंत पूछ लगे कि व्हाट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि क्या है, तो आप तुरंत बता सकें कि आगमन और निगमन विधि क्या है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, किस प्रकार से हम आगमन में चलते हैं, किस प्रकार से निगमन में चलते हैं। इसी प्रकार से कोई परियोजना विधि पूछ ले, कोई वो विधि पूछ ले, तो इस चीज़ का ज्ञान करने के लिए आपको एक नोट्स के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। और ये सारी विधियाँ मैं आप लोगों को, मैं वैसे ग्रुप में वन बाई वन जिस दिन भी मैंने जिस विधि को पढ़ाया है वो उस दिन आपके ग्रुप पर पहुँची है, लेकिन अब मैं एक साथ सारी विधियाँ आप लोगों के कल ग्रुप में डाल दूँगा, जिससे आप समस्त विधियों को एक साथ स्टडी कर सकें। अब इसके बाद जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या सामान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उस को मैं मैथमेटिकल रूप में आप लोगों को क्वेश्चन करा के फार्मूले बता के उसके माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी अन्य चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप पे पूछ सकता है, इंडिविजुअली मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है,
मैं उसके सलूशन बना के आप लोगों ग्रुप पे डाल दूंगा या पर्सनल आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। बिना नियमित अध्ययन के आप सफल तो हो सकते हैं, लेकिन उस फाइट में नहीं आ सकते जिस फाइट की वर्तमान समय को आवश्यकता है। धन्यवाद।